इंडियन नेशनल मुस्लिम फाउंडेशन ने मंगलवार को जन सुनवाई में एसडीएम को एक शिकायती आवेदन सौंपा, जिसमें बताया गया कि शहर की 2 लाख की आबादी हो चुकी है, जिसमें मात्र 3 ही आधार केंद्र का संचालन हो रहा है। इस संचालन के दौरान इन आधार केंद्रों पर पहुंचने वाले लोगों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही इन केंद्रों पर बैठे संचालक अवैध वसूली के रूप में लोगों से पैसे की मांग भी करते हैं। इंडियन नेशनल मुस्लिम फाउंडेशन ने एसडीएम से मांग की है कि इन व्यवस्थाओं को जल्द से जल्द सुधारा जाए, ताकि क्षेत्र की जनता को यहां आने वाली समस्याओं से निजात मिल सके। आधार केंद्र और कम या 3 आधार केंद्र है, इसको बढ़ाओ यार। शहर के आधार के केवल 3 केंद्र है। अपने यहाँ का जो था ये बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ, अपने यहाँ भी चालू था 1 साल से। यार जीना ही काम होगा आसान। और अभी 2-3 आधार केंद्र है, पोस्ट ऑफिस में नहीं होती, लेकिन जो 54 करोड़ टावर पे जो यहाँ का एक पोस्ट ऑफिस में है, जी पोस्ट ऑफिस में है, एक बीएसएनएल टावर, एक बीएसएनएल टावर पे है, एक सीधा लोकसेवा केंद्र, एक लोकसेवा केंद्र में बस। इन दिन भर लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, 15-15 दिन का टोल नंबर दिए जा रहे हैं, इसमें भी मनमाने पैसे ले रहे हैं। जिसकी इच्छा होते पैसे लेता है, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 200 रुपए, 300 रुपए। मीटिंग कराना, लेकिन करा दो, मैपिंग कर लूँ। आप थोड़ा पहले जाते हैं ना, सीएम साहब से पूछते पहले मैपिंग करके कहाँ आबादी ज्यादा उसके हिसाब से, और कहाँ मिर्ची बाजार का ये सब चलाया है जो पूरा एरिया कवर होता है मुस्लिम समाज का साहब। सर जी ने एक नागदा का एक महत्वपूर्ण जो परेशानी है आधार कार्ड की लेके, उसके संबंध के इसमें ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। इसमें क्या है कि अभी वर्तमान में इतनी आबादी होने के बाद में सिर्फ 3 केंद्र रहेंगे अभी यहाँ पे आधार कार्ड के, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लोगों से अवैध रूप से 100 रुपये 50 रुपये के नाम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसे लिए जा रहे हैं, और टोकन बांटे जा रहे हैं 15-15 दिन के, 20-20 दिन के, जिसके कारण आम लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिए आज हमने आवेदन दिया है कि इसके आधार कार्ड के जो और केंद्र बढ़ाए जाएँ, ताकि लोगों को सामना ना करना पड़े और चक्कर ना लगाना पड़े। जहाँ पे सुबह से चक्कर लगा रहे हैं, शाम तक उनका फिर बोल जाएगा फिर दूसरे दिन आना, 1 महीने बाद में आना। इसके रूप में हमने आज एक ज्ञापन दिया है, उसके अंदर ही किया है अनुविभागीय अधिकारी को, ये हमारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय जन सुनवाई के नेशनल मुस्लिम फाउंडेशन की एक कमेटी हमने बनाई है, मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज के हितों के लिए। ये कमेटी मुस्लिम समाज के साथ साथ शहर के सभी जाति वर्ग के लोगों के लिए काम करेगी। जो भी हमारे पास आएगा उसके लिए हम खड़े हैं, आधी रात को खड़े हैं। जैसी भी समस्या उसकी, अगर हम उसके समाधान के लिए काम कर सकेंगे तो काम करेंगे। वो कोई भी काम हमारे लायक, अगर आपके शहर में किसी के भी कोई तकलीफ का मामला हो, अगर वो हमसे रब्ता करता है तो हम उसकी मदद करेंगे। जय हिंद जय भारत। आज मुस्लिम इंडियन कमेटी ने जो एक आधार कार्ड बढ़ाने के लिए जन सुनवाई में ज्ञापन दिया है, वो बहुत ही आवश्यक है उसकी, क्योंकि आधार कार्ड सेंटर कम है, पब्लिक ज़्यादा, आसपास के ग्रामीण ज़्यादा, बहुत बड़ी विधानसभा है, बहुत लोग परेशान होते हैं। आधार कार्ड सुधार करने के लिए लोगों को 10-10 दिन 15-15 दिन ऐसे ही गोते खाना पड़ते हैं काम धंधा छोड़ के। उसके लिए शासन प्रशासन को आधार कार्ड केंद्र बढ़ाना चाहिए। आप सब लोग आए फिरोज भाई आजम सदर के एक छोटे से निवेदन पे, उसके लिए बहुत बहुत आभार।